देखिए बड़ी खबर, अमेरिका के लिए रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। क्वाड समिट में शामिल होंगे पीएम मोदी। अमेरिका में द्विपक्षीय वार्ता पीएम मोदी करने वाले हैं। बाइडेन समेत तीन राष्ट्राध्यक्षों के साथ में वार्ता होने वाली है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। और अमेरिकी यात्रा पर रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। अमेरिका में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, अमेरिका के लिए रवाना हुए। और देखिए बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी अमेरिका दौरे पर फिलहाल रवाना हुए हैं। क्वाड समिट में भाग लेंगे और बाकायदा उनको न्योता मिला था क्वाड समिट में शामिल होने का। प्रधानमंत्री मोदी क्वाड समिट में शामिल होंगे, द्विपक्षीय वार्ता करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अमेरिकी दौरे पर रवाना हुए पीएम मोदी नरेंद्र मोदी क्वाड शिखर सम्मेलन में वो हिस्सा लेने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। और देखिए बतौर पीएम वो अब तक 8 बार अमेरिका का दौरा कर चुके हैं, 9वीं यात्रा है उनकी अमेरिका की। और इसकी जानकारी विदेश मंत्रालय ने खुद दी है कि 21 से 23 सितंबर तक अमेरिका के वो दौरे पर रहने वाले। उनके कार्यक्रमों का अगर जिक्र करें तो ये कई द्विपक्षीय बैठकें होनी जो कि जिसमें भाग लेते नजर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। राष्ट्रपति बाइडेन और उनके गृहनगर विल्मिंटन में आयोजित किए जा रहे क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेने और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भविष्य के शिखर सम्मेलन को संबोधित करने के लिए अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा पर जा रहे हैं पीएम मोदी। क्वाड शिखर सम्मेलन में अपने सहयोगियों राष्ट्रपति बाइडेन, प्रधानमंत्री अल्बानीज और प्रधानमंत्री किशिदा के साथ शामिल होने के लिए उत्सुक पीएम मोदी ने एक्स पर बाकायदा अपने इसी विजिट को लेकर पोस्ट भी किया है। पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे का जो टाइमलाइन रहा वो आपको आकांक्षा बताएंगे। तो आपको देखिए बताते हैं जो पूरा कार्यक्रम है वो किस तरह से रहने वाला है। 21 सितंबर की बात करें तो यहाँ पर विल्मिंटन, डेलावेयर, और उसके बाद आपको हम ये भी देखिए बता रहे हैं कि प्रेसिडेंट बाइडेन से द्विपक्षीय बातचीत का कार्यक्रम है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्वाड समिट में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ देखिए इन तमाम देशों के जो अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद होंगे उनसे मुलाकात का कार्यक्रम है। इन सभी देशों से अहम मुद्दों पर बातचीत करने वाले हैं पीएम। जापान, ऑस्ट्रेलिया से भी द्विपक्षीय बातचीत हो सकती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे का जो पूरा टाइमलाइन है वो किस तरह से है हम आपको इस वक्त बता रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। देखिए पहले 21 सितंबर में जो यानी कार्यक्रम रहने वाले हैं आज वो बता रहे हैं, उसके बाद 22 सितंबर को जो कार्यक्रम है वो भी आपको बता देते हैं। न्यूयॉर्क के बारे में आपको बता रहे हैं, यहाँ पर देखिए भारतीय समुदाय के समूह को संबोधित पीएम करेंगे। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे का ये पूरा का पूरा टाइमलाइन। और अब 23 सितंबर के बारे में आपको अपडेट करते हैं। यहाँ पर आपको बताएं अलग अलग कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करने का कार्यक्रम रहने वाला है। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित भी यहाँ पर प्रधानमंत्री करने वाले हैं। और जो यहाँ पर सब्जेक्ट रहने वाला है वो भविष्य का शिखर सम्मेलन सब्जेक्ट रहने वाला है। तो इस तरह से पूरा ये कार्यक्रम, ये जो टाइमलाइन है वो हम आपको बता रहे हैं 23 सितंबर तक पीएम के दौरे की। बिल्कुल। और देखिए चीन के मुद्दे पर भी क्वाड में चर्चा संभव है। जाहिर सी बात है मुद्दा वहां पर उठेगा। पहले के अवैध गतिविधियां, चीन की अनैतिक ट्रेड पॉलिसी, इसके अलावा ताइवान स्ट्रेट में जिस तरीके से टेंशन है, मैरीटाइम सिक्योरिटी, ये मुद्दे हैं जिन पर बातचीत की जाएगी। बाइडेन से मुलाकात और कई मुद्दों पर बनेगी बात। दरअसल क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, पीएम मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात होनी है और दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बातचीत होगी। भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करना भी इसमें शामिल है। मुलाकात में कई समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद है, एमओयू साइन होंगे। इनमें से एक समझौता आईपीएफ से जुड़ा हुआ है। आईपीईएफ यानी कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, भारत स्वच्छ अर्थव्यवस्था और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था में भी शामिल होगा। इसके अलावा भारत अमेरिका दवा क्षेत्र में सहयोग पर भी समझौता हो सकता है। आईपीएफ से जुड़े समझौतों पर भी चर्चा इस दौरान मानी जा रही है। तो देखिए भारत आईपीएफ के 2 और स्तंभों में शामिल हो रहा है और भारत की भागीदारी को लेकर बातचीत लगातार जारी है। आईपीएफ में 14 इंडो-पैसिफिक देश शामिल हैं। आर्थिक सहयोग को मजबूत करना इसका उद्देश्य है। 2022 की बात करें तो 2022 में आईपीएफ को शुरू किया गया 14 देशों की एक पहल है जिसमें 4 स्तंभ हैं, व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला, स्वच्छ अर्थव्यवस्था और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था। तो देखिए भारत आपूर्ति श्रृंखला स्तंभ का अप्रूवल पहले ही कर चुका है और क्वाड शिखर सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय बैठक होगी। पीएम नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के पीएम के साथ भी बैठक करेंगे और इसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के पीएम के साथ भी मीटिंग करने वाले हैं। फुमियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा भी करेंगे। साथ ही साथ रक्षा, समुद्री सुरक्षा और अंतरिक्ष के मुद्दों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है और रूस यूक्रेन जंग का भी मुद्दा इसमें उठने वाला है। और देखिए पीएम मोदी जो बाइडेन के बीच रूस यूक्रेन युद्ध पर भी चर्चा होगी। रूस यूक्रेन मुद्दा क्वाड देशों की बैठक में भी उठेगा और क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। भारत ने अभी तक शांति पहल तक का जो कोई प्रस्ताव था वो नहीं रखा है
और भारत सरकार ने ये कहा इस मामले में सीधे मध्यस्थता नहीं करेगा भारत, आईटी कंपनी एआईसीओ संग मुलाकात होगी, ये भी है कार्यक्रम में। तो देखिए अब इसके बारे में आपको अपडेट करते हैं, जो आईटी कंपनीज हैं जो यहाँ पर एआईसीओ हैं उनसे मुलाकात का किस तरह कार्यक्रम है वो आप जानिए। 22 सितंबर को पीएम न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड में कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में भारतीय समुदाय से मुलाकात भी प्रधानमंत्री करने वाले हैं। पीएम मोदी बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों एआई के सीईओ से भी मिलने वाले हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों के जो सीईओ हैं उनसे भी गोलमेज मीटिंग करने वाले। अमेरिका की बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों के प्रमुख भी यहाँ मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। तो देखिए आखिर वो मुद्दे कौन से हैं जिनमें बातचीत की जानी, आपको बता दें हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के खतरे पर चर्चा की जानी है। क्वाड बैठक, स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, ये वो मुद्दे हैं। उभरती प्रौद्योगिकी यानी कि बुनियादी ढांचे, समुद्री सुरक्षा की बात करें, आतंकवाद की बात करें, इन मुद्दों पर बातचीत की जानी है। समिट ऑफ द फ्यूचर में पीएम मोदी होंगे। तो देखिए पीएम नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा का 23 सितंबर को समापन होगा और संयुक्त राष्ट्र के समिट ऑफ द फ्यूचर में पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। पीएम भारत की प्राथमिकता, समावेशी और न्यायसंगत सतत विकास, सहयोग और ग्लोबल साउथ के मुद्दों को यहां पर रेखांकित करते नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्यों मिलना चाहते ट्रंप, अब आपको ये भी समझाते हैं। देखिए अमेरिकी मूल के भारतीयों का ध्यान खींचने की कोशिश है। अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों की करीब अगर आबादी की हम यहाँ पर बात करें तो 48 लाख है। माना जा रहा है कि भारतीयों के कारण हैरिस की लोकप्रियता बढ़ी और मोदी से मिलकर ट्रंप की कोशिश भारतीयों को संदेश देने की हो सकती है। और भारतीय प्रधानमंत्रियों के अमेरिकी दौरे को लेकर क्या कुछ रहने वाला है वो आगे आपको पूजा बताएंगी। और देखिए अगर प्रधानमंत्री अभी तक जो रहे उनके अमेरिकी दौरे की बात करते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964 में रहे और यात्राएं रही उनकी चार बार। साल 1949 में अमेरिका गए, 56 में गए, 1960 में गए और फिर 1961 में गए। अब बात आती है इंदिरा गांधी की, जो कि 1966 से 77, 1980 से 84 तक वो पीएम रही और उनकी जो यात्राएं रही अमेरिका की वो तीन बार रही। सबसे पहले वो 1966 में गई, फिर 1968 में गई और फिर 1970 में वो अमेरिका गई। फिर आते हैं 30 नंबर पर मोरारजी देसाई, जो कि 1977 से 1979 तक रहते हैं पीएम और उनकी जो यात्रा रहती है वो रहती है एक बार और वो जाते हैं 1978 में। फिर आता है नाम राजीव गांधी का, 1984 से 1989 तक वो रहते हैं प्रधानमंत्री और जो उनकी यात्राएं रहती हैं इस कार्यकाल में वो तीन बार रहती हैं। पहले वो साल 1985 में जाते हैं दो बार, फिर 1987 में वो जाते हैं। फिर आता है नाम अटल बिहारी वाजपेयी का, अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से 2004 तक रहते हैं पीएम और उनकी यात्राएं रहती हैं चार बार। एक बार साल 2000 में जाते हैं, फिर 2001 में जाते हैं, फिर 2002 में जाते हैं और फिर 2003 में वो अमेरिकी दौरे पर जाते हैं। फिर आता है नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह का, जो कि 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री रहते हैं। उनकी यात्रा अमेरिका की आठ बार होती है। सबसे पहले वो जाते हैं साल 2005 में, फिर साल 2009 में और फिर साल 2013 में और इसके आगे भी यहाँ पर इससे पहले का भी जो एक आंकड़ा है वो भी सामने आता है। फिर आती है बात पीएम मोदी की, तो प्रधानमंत्री मोदी 2014 से लेकर अब तक वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। अमेरिका की यात्राएं उनकी नौ बार हो चुकी हैं। फिर साल 2014, 2015, साल 2016 हो, 17 हो, 18 हो, 19 हो, 22 हो, 2023 हो या फिर अब 2024, लगातार प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी यात्राएं जारी हैं।